हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। तो मैं जाता हूं ढूंढने जगदीश को सरकार और राय अगर मानो मेरी शमशेर को चढ़ा दो। शाबाश रणजीत सिंह, शमशेर को हाजिर किया जाए। क्या हो शमशेर सिंह, क्या पूछना चाहते हो? सबसे पहले यह बताओ कि महारानी चंपा का खून किसने किया? दीवान जी, मैं तो अपने कमरे में था, मुझे नहीं मालूम कि महारानी जी का खून कैसे हुआ और किसने किया। नहीं जानते हो? मुझे नहीं मालूम कि महारानी चंपा का खून किसने किया। मुझे क्या मालूम, मैं अपने कमरे में था। तुम अच्छी तरह जानते हो क्या कि पंजाब शहर की मालकिन थी वो? मैं जानता हूं। उनके मर जाने से पूरे पंजाब शहर में बगावत फैल गई है कि महारानी का खून कैसे हुआ। तो दीवान जी, तो आपका काम है पता लगाओ कि महारानी का खून किसने किया। इस पंजाब शहर में जो कोई आता है वो दीवान से पूछता है कि दीवान साहब बताइए कि महारानी चंपा का खून किसने किया है। मैं क्या जवाब दूं? नहीं बताओगे ए? इसे फांसी पर चढ़ाओ। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, मेरी आंखों में खून सवार है। एक एक अधिकारी और कर्मचारी की मैं फांसी दिला दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, पूरे पंजाब शहर को नहीं छोड़ूंगा। चढ़ा फांसी पर। मैं काशन बोलता हूं, ठीक है, बंदूक हमें लाओ। मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा ताकि मेरी आत्मा को शांति मिल सके कि इस हराम जादे ने महारानी का खून किया है। शमशेर सिंह, कहिए दीवान जी, आखिरी वक्त कुछ। मुझे यह नहीं मालूम कि महारानी जी का खून कैसे हुआ और किसने किया। एक बार नहीं चाहे हजारों बार आप पूछेंगे, मैं यही। चल ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा। मैं तैयार हूं। नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन मत कहना वरना एक खंजर सीने के पार कर दूंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तीन की गिनती जानता ही नहीं हूं। ये ले बंदूक। शाबाश, मेरी भतीजी आ गई है, मेरी बेटी, भला इसके सामने कैसे मैं गोली मार सकता हूं। शोभा, सबसे पहले तुम ये बताओ कि शमशेर सिंह प्यारा है तुझे या मैं? शोभा, मैं पूछता हूं, शमशेर तुझे प्यारा है या मैं? मुझे हमारे शमशेर ही प्यारा है। तुम इसकी जिंदगी चाहती हो या मेरी? मैं उसकी जिंदगी चाहती हूँ, तुम्हारी नहीं चाहती हूँ। शाबाश, तो ठीक है, अगर तू मुझे मार देगी तो ये बच जाएगा, अगर मैं जिंदा रह गया तो ये मर जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहती हूँ ना। शाबाश, चल मार दे मुझे, मैं कुछ ही नहीं बोलूंगा।
मार। पहलवान अपना एक अधिकार अपने पास रखता है, किसी को नहीं बताता है, इसलिए कि आज तक मैंने भी तुझे नहीं बताया था। आए, दोनों को लाइन पे लगाओ, एक साथ मैं दोनों को गोली मारूंगा। चल जंजीर से कस दो दोनों को, ताकि तलवार से मारने पर एक साथ है दोनों मर सकें। और नंबर दो, और नंबर तो बस खबरदार दीवान, अब जा संभल, बस खबरदार दीवान। अब जा संभल, वक्त अब आखिरी आ गया है तेरा, शोभा शमशेर की हथकड़ी खोल दो, इस कमीने को मैं चखा दूं मजा। कि हट जागे से मेरे और संग्राम सिंह, वरना भारी सजा पाएगा, एक ही सारे में तू जेल को जाएगा, या तो खंजर से मुड़के आदम जाएगा। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो भाग जाए यहां से। किसकी जिंदगी बचेगी, कौन इस दुनिया से फना होगा, इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हमको मारेगा, हमें जो इस पंजाब शहर का राजा है, मैं यहां का मलिक हूं, हमारे इशारे पर यहां का पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जब मैं चाहूं तो यहां की जनता सर के बल चले, और चाहूं तो पैर के बल। दीवान साहब, हाँ, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए अब इस पंजाब मुल्क की रियाया पंजों के बल नहीं पैर के बल चलेगी। आज से तुम्हारी हुकूमत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ तक कि दीवान साहब को मार सके। चल तैयार हो जा, आज तेरी इच्छा भी पूर्ण कर दूंगा मैं। दीवान जी, आंख उठाकर देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। मौत कहाँ है? मौत आ जाए, मौत कहाँ है? मौत हट जा मेरे रास्ते से, आज दीवान साहब की आंखों में खून सवार है, अगर तू मेरे सामने आ गई तो तेरी भी कत्ल कर दूंगा। हंसले दीवान, ये तेरे जिंदगी की आखिरी हंसी होगी। तो तैयार जा, तैयार हो जा। संग्राम सिंह,
शमशेर सिंह शोभा, वाकई में तुम लोग बहादुर सिपाही हो। तुम्हें ईमानदारी की बू आती है और आज तक हम लोग इस धन माया और प्यार के लोभ में अपने अहंकार को इतना आगे बढ़ा दिया कि ना अपना जान सका नहीं पराया। इसलिए आप सबसे आखिरी वक्त माफी चाहता हूं। माफ कर देना हमारी गलतियों को। मेरे दोस्त शमशेर सिंह, दीवान साहब का तो खून हो गया लेकिन शिवराज जगदीश नजर नहीं आ रहा। मेरे दोस्त, जगदीश की चिंता छोड़ दो। जगदीश इस वक्त चंद्रवती के पास है। और दोस्त, रणजीत सिंह जगदीश की तलाश में गया है। यहाँ रुकना हमारा और तुम्हारा ठीक नहीं है। ऐसा ना हो वो कमीना चंद्रवती के कमरे में पहुंच जाए। चलो हम इसी वक्त उस कमीने के पीछे चलते हैं। आओ क्या बताऊं, मुझे आज संग्राम सिंह की बहुत याद आ रही है। अरे दिल है दीवाना, तुझको ही चाहे, तुम मेरी चाहती हो। आए बेशक तुम मेरी मोहब्बत, चाहती हो। आए बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। आए बेशक ए मैंने किया है तुमसे प्यार, करती रहूंगी। मैंने किया है तुमसे प्यार, करती रहूंगी। हो के जुदा नजरों से एक पल रह ना सकूं। हो मैंने वादा किया है, मैंने ली है कसम। मैंने वादा किया है, मैंने ली है कसम। दिल है दीवाना, तुमको ही चाहे। चाहते हो हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत। और भूल जाओ चंद्रवती शमशेर और संग्राम को। भूल जाओ चंद्रवती
से जपना पड़े रणजीत सिंह के नाम को। सोच लो शमशेर को आज फांसी हो गई और पकड़े संग्राम को भेजूंगा यमपुर धाम को। बेरुखी करती हो क्यों ऐ मेरी माँ हेलका, एक दिन पत्नी बनोगी सोच लो अंजाम को। चंद्रवती क्या है आज इस पंजाब के अंदर तुमको कोई माई का लाल बता नहीं सकता है। आज तुमसे अपनी हवेस पूरा करूंगा। तुम्हारे कहने से मैं संग्राम और शमशेर को नहीं भूल सकती। वो मेरा परमपिता परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा और मैं उनको जरूर बुलाऊंगी। ये दिल्ली गंगा कैसेट के माध्यम से प्रोग्राम हो रहा है तो आज तुमको कोई माइक लाल पैदा नहीं कि दुनिया से बता ले मैं तुमसे प्यार करूंगा मेरी जान। देखती हूँ तू भगवान से बढ़ के है या मेरा भगवान है। अरे मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे। तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। मेरे दिल पे हाथ रख दे। मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे। तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। तेरे आने मेरा हौसला बढ़ेगा दामन को थाम लेना। मेरा हौसला बढ़ेगा दामन को थाम लेना। तेरे आने की खुशी में मेरा दम चंद्रवती मैं तुमको ले चलूंगा। मैं नहीं जाऊंगी तुमसे प्यार करूंगा मेरी झैया मटा का। आओ नहीं आओ मेरी हीरो पोत। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं। मैं कहती हूं मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। मुंह धो के आए आशिक आज हाथ धो के जाए कि दोनों लगा है नीचे। आज नलका तेरी गली मुंह धो के आए आशिक आशिक हाथ धो के जाए दोनों लगा है नीचे नीचे। नलका तेरी गली में दोनों लगा है। मैं ना मानूंगा तुम जाए दो गालियां आज तो असली ही करके जाएंगे हम सीधे। माने तो ना याद जब अलका
सीधे माने तो ना याद जब रन करूं जहे छूके गई से दम जमाना मुझे अरे कमीने मैं तेरी बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ। अगर तेरे भुजाओं में ताकत है तो मुझसे वार कर। वार नहीं करूंगा। क्षत्रियों को धर्म नहीं है कि कोई औरत के ऊपर तलवार चलाई या औरत से तलवार बाजी करे। ये धर्म क्षत्रिय का नहीं बनता। मैं तलवार तुमसे नहीं चलाऊंगा, बाकी तुमको तलवार का वार सिखाऊंगा। वाह वाह क्षत्रिय, तुम्हें यह पता नहीं है आज भी इस देश वार्ष में वीर महिलाएं पड़ी हैं किंतु जैसे पापी को यम घाट पहुंचा सकती हैं। तुम नहीं जानते हो इस पंजाब के अंदर जब से आया हूं सांस से रहूंगा, मर जाऊंगा तो कोई गम ही नहीं है। ठीक है, कोई धरती पर मारने वाला कोई पैदा ही नहीं। तो तैयार हो जा। वाह रणजीत सिंह वाह, तुम जैसा छत्री आज के बाद देखने को नहीं मिलेगा। नहीं संग्राम सिंह, छत्री देखने को मिलेगी, इसलिए कि मैं तलवार लड़कियों से नहीं चला रहा हूं बल्कि तलवार का वार सिखा रहा हूं। अगर तुम्हें तलवार चलाने का इतना ही शौक है तो मेरे वार को रोक कर दिखाओ। तो मार कर महाराज को भेजा है यमपुर कर महाराज को भेजा है यमपुर धाम को। मार कर महाराज को भेजा है यमपुर धाम को। अब तुम्हें जाना पड़ेगा आज यमपुर धाम को। तो मांग माफी चंद्रवती से है इसी में खैरियत। सिर्फ एक चारा बचा है, मांग माफी चंद्रवती से है इसी में खैरियत। वरना तुझे जाना पड़ेगा आज रामपुर धाम को। हाय संग्राम सिंह, माफी कौन लोग मांगते हैं मालूम है? कायर और बुजदिल, जिसके भुजाओं में दम न हो। छत्री जो होते हैं वो लड़के मारते हैं, पर के नहीं मारते, माफी नहीं मांगते, समझे? तो मांगना माफी जहां में अबे बुजदिलों का। मांगना माफी जहां में बुजदिलों का काम है, और लड़के मर जाना ये रण में अबे छत्रियों का काम है।
तलवार को, सुन रहे हो, खींच लो तलवार को, अबे देख ले जौहर मेरा, मुझसे सुधन भक्त ब्रह्म बुधिया तेरी था। ये गैर मुमकिन है इस पंजाब के अंदर माफी मांगना, मैं माफी नहीं मांगूंगा। माफी तो तुझे मांगना पड़ेगा, जब तक माफी नहीं मांगोगे तब तक तुम्हें जीवन दान में नहीं मिलेगा। जीवन दान क्यों नहीं मिलेगा? जीवन दान ने विधाता ने लिख दिया है, इस कहानी का नाम है वैसे है। चंद्रवती से माफी मांग लो, तुम्हारी मौत आसान हो जाएगी, वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। बदतमीज कहीं का, ऐसा अल्फाज दोबारा नहीं निकालना, होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ। नहीं नहीं महाराज, हमने इस पंजाब के अंदर जो गलतियां किए उस कमी ने दीवान के कहने से किए महाराज, आज हमारी गलतियों को क्षमा कर दो, क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो। क्यों संग्राम सिंह, एक जवान के लिए ये जनानी मर्दानी फौज सब कायम कर दियो, ये जनानी मर्दानी फौज तुमसे युद्ध करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, मुकाबला सिर्फ और हमारे तुम्हारे बीच में होगा। ठीक है, उसे या तो तुम मुझे मारोगे या मैं तुझे मारूंगा। होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ। Thank you.
मेरे दोस्त, अपने सारे अरमान पूरे हो गए लेकिन एक अरमान अब भी मेरे दिल में बाकी है। वो कौन सा अरमान है मेरे दोस्त? अरमान ये है मेरे दोस्त, तो ताज ला कर पहनावो तुम शमशेर सिंह, ताज ला कर पहनावो। कर तुम पहनावो तुम शमशेर सिंह, आज उजड़े चमन में बहार आएगी, जल्द जगदीश को दीजे राजा बना, तभी मेरे जिगर में करार आएगी। शिवराज जगदीश, अब वो दिन आ गया है कि तुम्हें युवराज से महाराज बना दिया जाए, क्योंकि अब तुम बालिग हो चुके हो, आज भैया ताजपोशी करना आवश्यक हो। भैया एक बात मैं कहना चाहता हूं तुमसे, ये ताज पहनूं ना मैं पहनाऊं तुम्हें, चंद्रती आप मेरे माँ बाप हैं, सौंप करके गए हैं पिताजी तुम्हें, ताज पहनूं पिताजी का अपमान हो। भैया ये ताज के हकदार आप हैं, मैं नहीं। नहीं युवराज, इस ताज के हकदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि मैंने महाराज को वचन दिया था कि आपके बालिग होने के उपरांत आपको युवराज से महाराज बना दूंगा। ठीक है भैया, जैसी इस ताज को पहनने में महाराज जगदीश की, महाराज जगदीश की, महाराज जगदीश की। संग्राम सिंह, भैया शमशेर और भैया संग्राम सिंह, आप लोगों ने अपना फर्ज पूरा किया, हमको आपने राजा बना दिया, मैं राजा बन गया, लेकिन मेरा भी कुछ फर्ज है, मैं भी अपना फर्ज अदा करना चाहता हूं। इस खुशी में हम आपका और चंद्रती का हाथ मिलाना चाहता हूं। और शमशेर सिंह, इस खुशी में हम आपका और शोभा का हाथ मिलाना चाहते हैं। राजकुमार, आप यहाँ के महाराज हैं, आप मेरे मालिक हैं, आपकी बात मैं और एक बात और है, जिस तरह से आप लोगों ने इस पर्दा की देखभाल किया है और मेरी रक्षा किया है, इसी तरह से जिंदगी भर देखभाल करना, मेरी रक्षा करना, मेरा यह फर्ज है। मैं तुमको प्रजा नहीं, सिपाही नहीं, अपना भाई समझता हूं।